न आदित्य ठाकरे, न सुभाष देसाई और न ही एकनाथ शिंदे, पवार और सोनिया बस उद्धव ठाकरे को ही सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, चाहे 2.5 साल का हो या फिर 5 साल का, लेकिन शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ही सीएम बने। सूत्र बताते हैं कि ये सोनिया गांधी या फिर शरद पवार का उद्धव प्रेम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। अगर उद्धव सीएम बनेंगे तो फिर सरकार टिकाऊ होगी और सीएम के रूप में गद्दी पर बैठकर उद्धव मातोश्री से सत्ता नहीं चला पाएंगे। अगर कोई दूसरा सीएम होगा तो उसकी नकेल उद्धव के हाथों में होगी, जैसे बाला साहेब के जमाने में हुआ करती थी। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि पीछे के दरवाजे से उद्धव सरकार चलाएं, बल्कि सीएम बनकर फ्रंट फुट पर दिखें। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनेगी तो उस पर कई तरह के दाग भी लगेंगे, और जाहिर है कि अब तक बेदाग छवि वाले उद्धव के दामन पर भी इसकी छींटे पड़ेंगी, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस के शासनकाल में महाराष्ट्र में जमकर लूट मची थी। अशोक चव्हाण से लेकर प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार, खुद शरद पवार भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं। इन सब की पहली कोशिश अपने ऊपर लगे दागों को धोने की होगी, और जाहिर है तब सरकारी तंत्र का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस और एनसीपी चाहती है कि उद्धव खुद सीएम बने।